हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लॉक। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के हमारे इस वीडियो में हम खालिस्तानी इशू के बारे में बात करेंगे। मार्च 19 को अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी होती है, उसके भड़काऊ बयान और लोगों में तनाव टेंशंस पैदा करने के लिए, जिसका विरोध होता है लंदन इंडियन एम्बेसी के सामने। इंडियन हाई कमीशन पे खालिस्तानी ग्रुप के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। वहां वो उसकी बालकनी पे जा करके हमारे राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे को नीचे उतारते हैं, खालिस्तानी झंडे फहराते हैं और नारे लगाते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया के खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ। इतना ही नहीं, वो ये भी डिमांड करते हैं कि जो ये अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी है उसको उसका खंडन किया जाए और उसको फ्री कर दिया जाए या उसको छोड़ दिया जाए। इस तरह का जब अपमान हो रहा था इंडियन एम्बेसी में या इंडियन एम्बेसी का, हमारे राष्ट्र ध्वज का, तो वहां ब्रिटिश हाई कमीशन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी को ना देखा गया और सभी के सभी हाथ पे हाथ रखे रह गए। अब इस मामले ने फिर से तूल पकड़ी है जब NIA हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां ब्रिटेन पहुंची है। पहुंचने के बाद इस मामले की पूरी छानबीन करते हुए NIA ने एक 2 घंटे लंबी सीसीटीवी फुटेज के हेल्प से वीडियो जारी की है अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे और कई सोशल हैंडल्स पे भी, और वहां के लोकल रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट किया है कि इन खालिस्तानी लोकल्स या उपद्रवी जो इस तरह की घटना में शामिल थे उनकी पहचान कराने में मदद करें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी की। अब इससे रिलेटेड जो अपडेट यहाँ इंडिया में देखी गई या फिर भारत में जो देखी गई, हमने अपना विरोध कैसे रजिस्टर कराया, तो इसके अगेंस्ट में MEA ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत ही ब्रिटिश हाई कमीशन को समन भेजा और न्यू दिल्ली में जो ब्रिटिश हाई कमीशन एजेंसी है वहां से अपने सिक्योरिटी पर्सनल को तुरंत ही वापस बुलाया या फिर वहां से उस सिक्योरिटी को खारिज किया गया। और ये करते हुए हमने अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराया था, जिसका परिणाम ये निकला है कि अब वहां जब NIA पहुंची है तो वहां की जो सबसे फेमस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है द स्कॉटलैंड यार्ड, उसने NIA से मुलाकात की, वहां उनसे डिस्कशन हुआ और इस मामले में वो NIA की सहायता भी कर रही है। लेकिन इस तरह की खालिस्तानी एक्टिविटीज और देश के ऊपर इस तरह के प्रश्न उठाना, वो भी बाहर देश में, तो ये किस तरह की छवि हमारे देश की या फिर जो जिन लोगों ने यह उपद्रव मचाया वहां पे उनकी खुद की क्या छवि सामने आती है, ये उन्हें सोचना चाहिए था। अब इसके विरोध में आप कह लीजिए या फिर इसके अगेंस्ट में आप कह लीजिए, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनका एक नया बयान सामने आया है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो भी लोग ऐसे दोषी पाए जाएंगे, अगर वो भारतीय मूल के हुए तो वो ये भूल जाएं कि वो कभी भारत भी वापस आ सकते हैं। भारत एक ऐसा देश रहा है जिन्होंने हमेशा अपने दूर दराज के देशों में बसे हुए भारतीयों को मुसीबत की घड़ी में वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया है, लेकिन इस तरह के अपमान को हमारा देश इस बार नहीं सहेगा, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ जाहिर कर दिया है। तो अब ये देखना है कि इस पूरे मामले से वो ऐसे कुछ अनसोशल एलिमेंट्स, कुछ ऐसे विचारधारा, नेगेटिव विचारधारा रखने वाले लोग जो अपने ही देश के बारे में गलत भावना रखते हैं और गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो सुधरेंगे?
वो सुधरे या ना सुधरे, लेकिन अब भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये साफ तौर पे पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने ये बता दिया है। वैसे नई अपडेट की अगर माने तो, अगर नई अपडेट के बारे में देखें तो एक अपडेट और है कि अमृतपाल को जिसने ट्रेन किया था वो खालिस्तानी चीफ प्रो ऐसा कह ले अवतार सिंह खंदा, उसकी कल रात डेथ हो चुकी है, जो कि काफी टाइम से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इस बार हमारी हमारा जो स्टैंड है वो बहुत ही फर्म है, बहुत ही स्ट्रांग है। इस तरह की एक्टिविटीज का अब हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमने बता दिया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज डू लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।